हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर योगेंद्र बोला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक आम समस्या के बारे में जिसे हमें सभी को कभी ना कभी परेशान होना पड़ता है। यह है गैस की समस्या, पेट फूल जाना, इनडाइजेशन, खाना खाने के बाद में पेट में भारीपना महसूस होना, पेट फूल जाना, गैस की समस्या। दोस्तों, ये एक बहुत ही आम समस्या है और जो आजकल हमारा खान पान ऐसा हो गया है, फास्ट फूड का प्रचलन हो गया है, पिज़्ज़ा, पाव, बर्गर, इस वजह से भी ये गैस की समस्या बन रही है। टाइम पर खाना नहीं खाना, जल्दी में खाना, हरी वरी करी यानी टेंशन में रहना, स्ट्रेस में रहना, खाना ठीक से नहीं खाना, जल्दी में खाना, ये सब कुछ कारण है गैस की समस्या आम होने की वजह। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में गैस बनने के मेन, पेट में गैस बनने के मेन कारण क्या है और उनका इलाज बताएंगे पहले हिस्से में, और दूसरे हिस्से में सिर्फ मेडिसिन बताएंगे, दो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो आपको इस समस्या को जड़ से ख़त्म करने में मदद करेगी। तो चलो दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो को। जो सबसे पहला कारण है दोस्तों पेट में गैस बनना, इनडाइजेशन, खाना नहीं पचना, वो है पानी पी लेते हैं हम खाने से पहले। तो दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि खाने से आधे घंटे पहले कभी भी आपको पानी नहीं पीना है। पानी पीने से क्या करता है, जो पेट में हमारे डाइजेस्टिव फायर्स है, पेट की जो अग्नि है, पेट में जो एसिड्स हैं जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं, उनको पानी डाइल्यूट कर देता है, उनका जो पावर है वो ख़त्म कर देता है। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो ठीक से पचता नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, खाने से आधे घंटे पहले आपको पानी नहीं पीना है। मानो आप 12 बजे खाना खाते हैं तो मान के चलो कि 11:15 तक पानी पी लीजिए, उसके बाद पानी मत पियो। तो डोंट ड्रिंक वाटर हाफ एन आवर बिफोर फूड, ये पहला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। दूसरा है ईट एंड ड्रिंक स्लोली, यानी कि जो भी आप खाते हैं पीते हैं उसको धीरे धीरे खाएं, खाना जो खाते हैं उसको चबाकर खाएं। आयुर्वेद में भी लिखा है कि खाने को कम से कम 32 से 33 बार चबाकर धीरे धीरे खाना होता है। दोस्तों, खाने का जो डाइजेशन है हमारे पेट में नहीं शुरू होता है, खाने का जो डाइजेशन है हमारे मुंह में शुरू हो जाता है। हमारे जो मुंह के अंदर सलाइवा होता है, बलगम बोलते हैं हम उसको, जो थूक होती है, उसके अंदर खाना पचाने की एंजाइम होती है, उसको हम टाइलिन एंजाइम बोलते हैं। तो जो भी खाने का जो डाइजेशन है वो हमारे मुंह में शुरू हो जाता है सलाइवा के अंदर। इसलिए हमेशा खाना मुंह के अंदर जब खाते हैं तो छोटे छोटे पीसेज में लें और धीरे धीरे चबा कर खाएँ, इससे पेट पर जोर नहीं पड़ता और डाइजेशन आपका अच्छा होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। तीसरी जो गलत आदत है जिससे गैस बनती है वो है स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी पीना, च्यूइंग गम, गम्स, कई लोगों को च्यूइंग गम खाने की आदत है उससे, और स्ट्रॉ से पीना, पानी, जूस वगैरह स्ट्रॉ से पीने, उससे क्या हो जाता है कि आप पेट के अंदर स्वेलो कर जाते हैं, हवा स्वेलो कर जाते हैं, और उसी तरह जब खाना आप तेज खाते हैं, फटाफट खाते हैं, तो भी हवा पेट में चली जाती है, इस बात का ध्यान रखें। तो हमेशा खाना पीना बहुत धीरे धीरे करना चाहिए। चौथी जो वजह है वो है कुछ मेडिकल कंडीशंस, ऐसी कुछ ऐसी बीमारियाँ जिसके अंदर भी पेट में गैस बन जाती है। खास तौर पर हम देखते हैं डायबिटीज़, जिसमें हम बोलते हैं डायबिटीज़ गैस्ट्रोपेरेसिस, यानी कि पेट के अंदर हम खाना खाते हैं तो आंत है वो सुस्त हो जाता है, पेट सुस्त होता है, जो खाते हैं उधर ही रुका रहता है उसका, हमारी आंतों की मूवमेंट नहीं होती है और खाना नीचे नहीं सरकता है, इसको बोलते हैं डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस, यानी कि पेट में लकवा आ जाना एक तरह से, उसमें सुस्तपना आ जाना। इसलिए हमेशा आपका शुगर लेवल कंट्रोल रखें और इस बीमारी से बच के रहें। दूसरा एक ग्लूटेन नाम का प्रोटीन होता है जो आमतौर पर हमारे व्हीट यानी गेहूं, सीरियल्स, इनमें मिलता है। कई लोगों को ग्लूटेन की एलर्जी होती है, ग्लूटेन पचता नहीं है, ग्लूटेन यानी कि रोटी, गेहूं, ऐसी चीज़ें, सीरियल्स खाने से जिनके अंदर ग्लूटेन होता है, प्रोटीन होता है, वो खाने से पेट फूल जाता है। तो हमेशा अगर आपको बार बार गेहूं खाने से, रोटी खाने से पेट फूलता है तो डॉक्टर की सलाह लीजिए, हो सकता है आपको ग्लूटेन की एलर्जी हो, और इन चीज़ों को अवॉइड करने से आप इस समस्या से बच सकते हैं। तीसरा मेडिकल कंडीशन है लैक्टोज इनटॉलरेंस। लैक्टोज दोस्तों एक शुगर होता है जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है, जैसे कि दूध, दही, लस्सी वगैरह, इसमें। तो अगर आपको लैक्टोज इनटॉलरेंस है, मान लो कि आप दूध पीते हैं, दूध पीने के बाद में पेट अफर जाता है, गैस बनती है, तो डॉक्टर की सलाह से हो सकता है आपको ये अवॉइड करना पड़े, आपको इसकी एलर्जी हो। और कुछ गैस की चीज़ें होते हैं खाने पीने की जिनसे गैस आमतौर पर बनता है, इन ऐसी चीज़ों को भी हमको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि सेब है, एप्पल्स हैं, आलू है, चना है, समोसा है, बहुत सारी चीज़ें। और हर आदमी को अपने अलग अलग चीज़ों से एलर्जी होती है, तो उनको डेयरी प्रोडक्ट्स है, कई लोगों को डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं
चना मटर छोले जो भी आपको भाई मालूम है इस खाने से हमको गैस बनती है तो उसको कम खाएं या उनको अवॉइड करें, ये इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट दोस्तों, पानी कैसा पीना चाहिए। पानी हमेशा, मैंने एक पॉइंट तो याद रखना आपको, आधे घंटे पहले नहीं पीना चाहिए और पानी पीना चाहिए हल्का सा गर्म, गुनगुना लूक वार्म वाटर। यानी पानी अगर गर्म पियेंगे तो उससे डाइजेशन इम्प्रूव होता है, खाना अच्छे से पचता है, गर्म पानी एक दवाई की तरह है। इन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों अब हमने आपको बताया किन किन कारणों से गैस बनता है और किन कैसे हम बच सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट दवाई है, मेडिसिन है जो गैस को ट्रीट करने में काम आती है, सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको वो है लहसुन वटी। लहसुन वटी यानी कि ये डाबर कंपनी की या बैद्यनाथ कंपनी की आप ले सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको इस तरह से, स्क्रीन पे भी दिख जाएगा लहसुन वटी। दोस्तों लहसुन वटी के अंदर जो मेन कंटेंट है जिसको नाम है वो है लहसुन यानी कि गार्लिक। गार्लिक ये सिर्फ ना गैस फॉर्मेशन होने से आपको रोकता है, आपका डाइजेशन अच्छा करता है, आपके डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाता है, परंतु उसके साथ में अगर आपके खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, ज़्यादा है, खून आपका गाढ़ा है, उसको भी कम करता है, कि उसके अंदर मेन है लहसुन, लहसुन यानी कि गार्लिक। दूसरा वेट लॉस, अगर आप वजन ज़्यादा है आपका, तो आमतौर पर जिन लोगों का वेट ज़्यादा आता है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत मिलती है। तो अगर आपको गैस की समस्या है, आपका ओवरवेट है, ओबेसिटी है, वजन ज़्यादा है, आपका खून गाढ़ा है, खून में कोलेस्ट्रॉल है, तो ये बेस्ट दवा है, आप ले सकते हैं। इसको दिन में दो टाइम लेना है, दो गोली सुबह शाम डॉक्टर की राय पर, आपके जो भी डॉक्टर हैं उनकी राय पर लेना है, और ये आप 2 से 3 महीने ले सकते हैं। और साथ में हमने कुछ आपको शुरू में परहेज बताएं क्या क्या गैस कैसे चीज़ों को अवॉइड करना है, ये सब आप करेंगे तो 100% आपको गैस की समस्या से रिलीफ मिलेगा। एक तो पहली चीज़ ये हो गई लहसुन वटी। इसके अंदर लहसुन के साथ में रॉक सॉल्ट यानी कि सैंधव नमक भी है, सूंठ पिपली और मरीच, ऐसे कुछ आयुर्वेदिक कंटेंट्स है जो आपको ये गैस फॉर्मेशन से बचाएगी, गैस की समस्या से ठीक करेगी। तो दोस्तों पहला दवा जो याद रखनी है गैस की समस्या के लिए वो है लहसुन वटी। ये डाबर या बैद्यनाथ कंपनी, अच्छी कंपनी की, कहाँ भी मिल सकती है, ईजीली अवेलेबल है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, एक डब्बी सिर्फ 75 रुपीज़ में आती है। दूसरी जो दवा है दोस्तों जो गैस की समस्या में बहुत ही कारगर मिल है और वो है गैसेक्स टैबलेट, और ये है हिमालय कंपनी की। गैसेक्स टैबलेट हिमालय कंपनी की बहुत ही सस्ती दवा है, 100 टैबलेट्स आते हैं मात्र 130 रुपीज़ में, 100 टैबलेट्स यानी कि कम से कम आप ये आपका 1 महीने का कोर्स है और सिर्फ 130 रुपये में इसका इलाज हो जाता है। इसके अंदर जो मेन कंटेंट है वो है ड्राइड जिंजर, गैसेक्स टैबलेट के अंदर ड्राइड जिंजर यानी कि सूखा अदरक यानी कि सूंठ, सूंठ इसके अंदर मेन दवा है। और इसके साथ में है इसके अंदर त्रिफला, विडंग, ऐसे बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन से बनती है गैसेक्स टैबलेट जो हिमालय कंपनी की है। ये आपके अंदर जो आपके बेल्चिंग यानी कि पेट में डकारे आना, ब्लोटिंग यानी कि पेट फूलना, फ्लैचुलेंस गैस की समस्या, अगर आपका लीवर कमज़ोर है उसमें भी काम करता है, प्रॉपर बॉवल मूवमेंट, आपके आँतें सुस्त हैं, मूवमेंट्स नहीं होती, आँत नहीं घूमती, उसमें काम करता है। प्रीबायोटिक है यानी पेट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं उनको बढ़ाता है, गैस्ट्रिक जूस स्टिमुलेट करता है यानी कि डाइजेशन आपका बहुत अच्छा हो, ये इसके कुछ फ़ायदे हैं गैसेक्स टैबलेट के। गैसेक्स टैबलेट सिर्फ गैस ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि अगर आपको कोई एब्डोमिनल एक्सरे लेना है, पेट का एक्सरे लेना है या सोनोग्राफी करवानी है तो उसके पहले भी 1-2 दिन ये देते हैं ताकि पेट के अंदर जो भी गैस एक्स्ट्रा गैस है वो निकल जाए और जो भी जांच की रिपोर्ट है आपकी, एक्सरे है, सोनोग्राफी, वो सही आए। तो दोस्तों जो मेन ट्रीटमेंट हमने बताया है वो है लहसुन वटी और दूसरा है गैसेक्स। ये दोनों साथ में नहीं लेने, जो भी आपके डॉक्टर्स आपको चेक करके बताएंगे, या तो लहसुन वटी या गैसेक्स, दोनों में से एक लेनी है और हमने जो शुरुआत में परहेज बताया वो करना है। तो दोस्तों आज हमने आपको गैस की समस्या, पेट फूलना, इनडाइजेशन, ब्लोटिंग, फ्लैचुलेंस, ये मेडिकल शब्द हैं जिसके अंदर आपका डाइजेशन सही नहीं होने की वजह से गैस बनती है, इस बारे में बताएं। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस हम आपको और ला कर दे सकें। आपके जो भी कमेंट्स हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आप अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा। मैं डॉक्टर योगेंद्र मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।